तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बाबूराव टोला गांव में बुधवार को खेत पर संदिग्ध हालत में बेहोश मिली 3 नाबालिग बहनों में से 2 की मौत हो गई है, तीसरी गंभीर हालत में है। तीनों एक ही दुपट्टे से बंधी मिली, मुंह में झाग निकल रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने पॉइजनिंग की आशंका जताई है। इस घटना को लेकर पूरा गांव गुस्से में है। ऐसे में यह भारी पुलिस दल तैनात किए गए हैं। पासी समुदाय की इन लड़कियों की उम्र 13, 16 और 17 साल बताई जा रही है। इनके भाई ने कहा कि हमारे परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तीनों बहने पहले स्कूल जाती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनका स्कूल जाना छुड़वा दिया गया था। पीड़ित परिवार में इस घटना के पीछे किसी का साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उन्नाव के SP आनंद कुलकर्णी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद भी दोनों के मौत की वजह पता चल पाएंगी। जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई है। तीसरी लड़की को कानपुर में रेफर किया गया है। परिवार वालों ने बताया कि तीनों लड़कियां दोपहर करीब 3 बजे अपने ही खेत पर चारा लेने गई थी। शाम तक नहीं लौटी तो उनकी तलाश शुरू की गई। अस्पताल ले जाने पर 2 को मृत घोषित किया गया, तीसरी लड़की को कानपुर रेफर किया गया। सपा का आरोप है कि मामला दबाया जा रहा है। सपा के नेता सुनील साजन ने पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिस तरह इस मामले को हैंडल कर रही है, उससे साफ है कि वह असलियत छिपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है, गाँव के प्रधान के पति ने कहा, जोर जबरदस्ती का शक नहीं। पाठकपुर की ग्राम प्रधान सीमा पाठक के पति धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में लड़कियों के शव को देखे। इन पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे, शरीर पर पूरे कपड़े थे। ऐसे में जोर जबरदस्ती की आशंका भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बबुराव की आबादी करीब 300 है, इसमें ज्यादातर ब्राह्मण और गोस्वामी समुदाय रहते हैं। पासी समुदाय के कुछ ही घर वहाँ दिखाई देते हैं।